मिला नहीं, पांच लॉट चेक किए, हर जगह बस शादीशुदा जोड़े को ही रूम देते हैं। तो आप? मैं अभी आया। ये लो। कल कर लेते हैं शादी। कल बात करते, अभी थक गई हूं, सो जाते। एक कत्ल हुआ था, पर किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि हत्यारे एक छोटे से होटल के रूम में चैन की नींद सो रहे थे। कत्ल के कुछ दिन पहले इस मर्डर का प्लान बना और उसे अंजाम दिया गया। पीड़ित को कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। अचानक से घातक हमला बोल दिया गया। अरे जल्दी जल्दी हाथ मुंह चला रोहे, 10 मिनट में निकलना है वरना स्कूल बस निकल जाएगी। कल्याणी आई। आज भी मीटिंग में देर होगी क्या? देखो भाई, कुछ कह तो सकते नहीं है, और तुम जानती हो कि अगर ऐन मौके पे कोई पार्टी आ गई तो फिर एस्टेट एजेंट मना कैसे कर सकता है, और अगर एस्टेट एजेंट मना करेगा तो फिर खाएगा क्या है? अगर टाइम से वापस आ गया तो फिर खाना साथ में खाए। बाय चैंपियन, जा रहे पापा, बाय नहीं कहना। बाय 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 बाय। चलो 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 जल्दी चलो। हेलो, वो नहा रहा था, बोलो। बोल दिया ना आज क्या होगा, मतलब होगा, टेंशन मत ले। माँ जल्दी कर, देर हो रही है मुझे। कहाँ जा रहा है? एक जरूरी काम है बापू, 2-4 दिन की बात है। अरे पर तू जा कहाँ रहा है? बोल दिया ना माँ, 2-4 दिन की बात है, लौट के बताऊंगा।
अरे पर ऐसा क्या काम? ना, अचार तो दे दे। हाँ, अभी। ब्याज की बात ना करो तो क्या करूँ, तो साल भर दे दे बस। बोला ना दे दूंगा, क्या करूँ अभी, नहीं आ रही पेमेंट तो। यार तेरा ना विजय यही चलता रहता, पिछली 5 बार से तू बोल चुका दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। देख अमाउंट छोटी तो है ना, बड़ी रकम है, आएगी ना तो दे दूंगा। मुझे कुछ शौक नहीं है तेरे पैसे रखने का। तेरे को बात समझ में आती है ना कि बड़ी अमाउंट है तो। हाँ बोल। आज करना है, निकलो 5 मिनट में। कहाँ मिलूँ? खानपुर 3 नगर। ठीक है।
कैसे? बढ़िया। आप कुछ दुकानें दिखाने वाले थे, क्या हुआ उसका? अरे यार लेते हो, तुम तो आए नहीं ना यार, मैंने दुकानें देख के भी रखी थी, ऊपर से किराया भी कम मिल रहा था। साइड में रोक लो, बात कर लेते। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। अरे यार कल आना चाहिए था तुम्हें, चार पार्टियां देख के रखी थी, वो भी कमाल की, ऊपर से एक दुकान तो डबल साइज की थी सेम रेट पे। सॉरी थोड़ा बिजी था। अच्छा रमेश जी, मुझे ना चार दुकानें चाहिए एक ही कॉम्प्लेक्स में। अरे यार ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना, हम मैंने दो दो दुकानें देख के रखी है, वो भी अगल बगल के कॉम्प्लेक्स में। चलो कोई नहीं, पार्टियां तो अच्छी मिल गई है ना। और तुम ऐसा करो ना, तुम पहले आके दुकानें देख लो, फिर देखते। कल सुबह आता हूँ, आप बताओ कितने बजे? कल तक आ जाओ, मतलब 11 बजे तक आ जाओ, 12 बजे तक दुकान दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं 11 बजे पहुंच जाऊंगा। लेकिन 11 बजे आ जाना, क्योंकि 12 बजे फिर मैं दूसरी पार्टी अरेंज करूंगा। बिल्कुल। मम्मी मेरा होमवर्क हो गया, मैं थोड़ी देर टीवी देखूं? बिल्कुल नहीं रोहित, एक तो तेरी आंख में लगी हुई है, ऊपर से टीवी देखने की बातें कर रहा है, बिल्कुल नहीं। मम्मी प्लीज 10 मिनट देखने दो ना प्लीज। रोहित पापा भी आने वाले हैं, रास्ते में ही है, आ जाएंगे, सब साथ में खाना खाएंगे, फिर देखेंगे। पापा तो अभी तक पहुंचे भी नहीं है, थोड़ी देर टीवी देखने दो ना प्लीज। ठीक है जाओ देख लो, मगर फिर ये मत कहना कि मेरा एपिसोड बचा हुआ है 10 मिनट 10 मिनट, ये सब नहीं चलेगा। मंजूर? मंजूर मंजूर। फोन क्यों उठा रहे? मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खा लूं? अच्छा ठीक है आ जा, मैं खाना लगाती हूँ। क्यों नहीं उठा रहे थे? आप कल्याणी बोल रही हैं? जी, पर आप कौन बोल रही हैं? मेरे पति कहाँ हैं? कल्याणी जी, मैं CIA से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सिमरन अहुजा बोल रही हूँ। मम्मी, मम्मी, मम्मी क्या हुआ मम्मी? फोन पे लास्ट कॉल इनकी वाइफ कल्याणी जी का था, बता दिया उन्हें। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, पर इनकी पत्नी को पुलिस स्टेशन बुलाओ। जोगिंदर, जोगिंदर, गाड़ी जल्दी बाहर निकालो यार। भाई तुम लोग, और तुम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचो, रमेश को कुछ हो गया। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, पर संभाल। मम्मी मम्मी मम्मी, तू पुलिस स्टेशन पहुंच, चल बेटा बैठ, जल्दी बैठ। कल्याणी को क्या हुआ? किसी को कुछ पता नहीं है संदीप, कोई कह रहा है रमेश पर फायरिंग हुई है। क्या, कहाँ हुआ ये सब? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर खानपुर सर्विस रोड के पास। खानपुर हाईवे के पास? मैंने तो उन्हें देखा था वहाँ पे। तुमने देखा था उन्हें? हाँ, लेकिन हुआ कब ये? 30-40 मिनट पहले हुआ है ये, आपको अलर्ट मिलने के कुछ 4-5 मिनट पहले। ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी वहाँ पर। 2 गोलियां पेनिट्रेट हुई है, एक गले में लगी है और एक सर में।
ये कैसे कट्टा? पॉइंट ब्लैंक रेंज, पर्स मोबाइल कुछ भी छुआ नहीं गया, बस तो गोलियां दाग दी गई। ये तो साफ है सर, इरादा सिर्फ और सिर्फ मर्डर का था, मतलब हत्यारे पेशेवर हो सकते हैं। प्रॉपर्टी एजेंट था सर। विक्टिम की वाइफ कल्याणी दहिया घर पे बेहोश हो गई, हॉस्पिटलाइज हुई है। मतलब आप उनसे कल सुबह ही बात हो सकती है। बट सर एक और आदमी है उनके मोहल्ले का, संदीप कौशिक। उसका कहना है कि उसने रमेश को देखा था खानपुर सर्विस रोड पे। तुमने जब रमेश दहिया को खानपुर सर्विस रोड पर देखा था उस वक्त कितने बजे थे? सर मैं 7:45 के आसपास घर पहुंचता हूँ, सर्विस रोड से घर 10 मिनट है, तो 7:30 का टाइम पकड़ लो। तुम ऑटो में थे? जी सर। रमेश दहिया दो लोगों से बात कर रहे थे? जी सर। रमेश दहिया जिन दो लोगों से बात कर रहे थे तुम उन्हें पहचान सकते? रमेश दहिया जिन दो लोगों से बात कर रहे थे तुम उन्हें पहचान सकते? सर उनकी पीठ थी मेरी तरफ, कैसे पहचानूंगा? उनकी हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर कुछ याद है? मैडम वो जो आदमी था वो थोड़ा यंग सा लग रहा था, और जो लड़की थी उसने चेहरे पे दुपट्टा ओढ़ रखा था। दोनों में से एक लड़की थी? जी सर, एक लड़का और एक लड़की थी बाइक के पास। क्या कपड़े पहने थे दोनों ने? अब उतना ध्यान नहीं गया मैडम, मैं ऑटो में था और ऑटो से बस ऐसी नजर गई थी मेरी। अब रमेश भैया को पहचानता हूँ तो वो नजर में आ गए, लेकिन सर उन दोनों पे मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ वो तीनों कुछ बात कर रहे थे आपस में। बाइक का नंबर याद है? कहाँ सर, चलती ऑटो में से रात का टाइम था, बाइक का नंबर नहीं देख पाया मैं। कलर तो याद होगा बाइक का? नहीं सर। किसी भी चीज पर ध्यान नहीं गया? देखिए मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और अगर मोहल्ले की बात नहीं होती तो शायद याद भी नहीं रहता कि मैंने रमेश भैया को देखा भी था। और सर मुझे थोड़ी ना पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्या सोचा है रीना, शादी कर लेते हैं? ठीक है, मैडम मैडम ये झूठ है ना? हाँ वो ठीक है ना मैडम? मैडम बोलिए ना ये झूठ है। कल्याणी जी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? रमेश जी के फोन पर आखिरी कॉल आपका था और तकरीबन 7 बजे उन्होंने आपको फोन किया था। जी अपना ऑफिस बंद करके घर आ रहे थे, हम साथ में खाना खाने वाले थे। बस बंद बंद करके घर ही आ रहा हूँ, आज की मीटिंग वीटिंग निकले नहीं है। अरे वाह, इस महीने में पहली बार हम लोग डिनर साथ में करेंगे। रोहित भी बस अपना होमवर्क खत्म ही कर रहा है। मैं उनका घर पे इंतजार कर रही थी। कल्याणी जी आपके मोहल्ले का एक आदमी है संदीप कौशिक, संदीप ने आपके पति रमेश दहिया को खानपुर सर्विस रोड पर एक लड़के और लड़की से बात करते हुए देखा था, शायद ठीक उसी जगह यहां उन्हें गोली मार दी गई।
सर लगभग यहीं खड़े थे, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन वो दोनों उस साइड खड़े थे और रमेश भैया इस साइड खड़े थे। संदीप थोड़ी कोशिश करो उस जोड़े के चेहरे को याद करने की। सर कैसे याद करूँगा सर, सर मैं वहाँ से आ रहा था सर, और सर और वो दोनों ऐसे खड़े हुए थे सर, उनकी पीठ थी सर मेरी तरफ, चेहरा तो देखा नहीं सर, तो याद करना तो पॉसिबल नहीं होगा सर। लड़का और लड़की? जी नहीं, मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा। इरादा साफ कत्ल का था, इसलिए दो गोलियां चलाई, एक गले पर एक सिर में, और उन्होंने रमेश जी की पहचान छुपाने की कोशिश भी नहीं की। ये कहीं विजय यादव का काम तो नहीं? विजय यादव? गांठ बांध दिया मैंने, अब किसी के साथ ना पार्टनरशिप नहीं करनी मैंने। क्यों, उस लक्ष्मी इंडस्ट्रियल वाली डील के भी कुछ नहीं दिए? मेरे हिस्से के ना 16 लाख रुपए बनते हैं, और उसमें से एक ढेला नहीं दिया उस विजय के बच्चे ने। भले ही समय लग जाए मगर छोड़ना मत उसे। अरे वक्त ही तो सब कुछ है कल्याणी, फरीदाबाद के बिल्डर ने मुझे सामने जाकर ऑफर दिया, करीबन 30% कम में मिल रहा मकान। तो फिर क्या, कहाँ से लूंगा? 12 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी है, वो भी जल्दी जल्दी। तो कहिए उससे कि पैसे आपको कल के कल ही चाहिए, दिन रात की मेहनत की है आपने, फायदा सिर्फ उसी को क्यों मिले? 4 महीने पहले डील हुई थी, वो मेरे पति का हिस्सा दे ही नहीं रहा था, बहुत टेंशन में डाल रखा था विजय ने रमेश को। सिमरन सर, ये विजय यादव का फोन नंबर है, उसे तुरंत फोन करके यहां बुलवाओ। ओके सर। सिर्फ तुम ही एक ऐसे आदमी हो जिसने रमेश दहिया को उस जोड़े के साथ बात करते हुए देखा है, बस यूं समझ लो कि अगर उस जोड़े तक हम पहुंच गए तो ये केस क्लोज हो जाएगा। इसलिए अगर उस जोड़े के बारे में तुम्हें कुछ भी याद आता है, थोड़ा सा भी याद आता है, तो सबसे पहले तुम मुझे कॉन्टेक्ट करोगे, मुझे कॉल करोगे, समझे? जी जी सर। तुमने रमेश दहिया को 16 लाख रुपए देने थे। सर हमारे धंधे में पैसे लेने में और देने में देरी हो जाती, नॉर्मल है। लेकिन रमेश दहिया का उन पैसों को लेकर परेशान होना नॉर्मल नहीं था, और तुम्हारा उन पैसों को ना लौटाने का इरादा नॉर्मल नहीं था। सर ये गलत बात है, रमेश को मालूम था कि वो पैसे जो है मैंने एक पर्सनल जमीन में डाले, कहीं से कुछ और पैसे आने वाले थे जो मैं उसे लौटाने वाला था, उन्हें आने में देरी हो रही थी इसलिए मैं उसे वो पैसे नहीं लौटा पा रहा था बस। 16 लाख तो क्या, तुमने उसे 16 रुपए तक नहीं लौटाए। अगर तुम्हारी नीयत साफ थी तो रमेश दहिया को उन 16 लाख से कम एक किश्त तो लौटाते। सर ऐसा पहले उसकी तरफ से भी हो चुका है, मैं कह रहा हूँ हम दोनों में ये होता रहता था, लेकिन किसी को दगा देने की और पैसा ना देने की कभी कोई बात ही नहीं उठी। इसलिए तुमने उसे दुनिया से उठा दिया ताकि पैसे मांगने की बात ही ना उठे। सर 16 लाख के चक्कर में मैं अपना करोड़ों का नुकसान क्यों करूँ? मेरी रमेश के साथ 3 और बड़ी डील की बात चल रही थी जिसमें ये सारा पैसा एडजस्ट होने वाला था, और 1 महीने में सब कुछ सेटल भी हो रहा था। कल दिन में रमेश के साथ सारी बातें क्लियर हो गई थी, और कल रात को रमेश दहिया इस दुनिया से क्लियर हो गया। करोड़ों को ना सही, तुम्हें लाखों का फायदा तो हुआ ही, 16 लाख का। हत्यारों को कितने दिए? सर आप पूरी तरह गलत निशाना लगा रहे हैं, रमेश को मारकर मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला था। और रमेश को जिंदा रखकर किसे नुकसान हो रहा था? सर ये फायदे और नुकसान का मामला नहीं है। मतलब? सर ये मर्डर हमारे धंधे की वजह से नहीं हुआ है, कोई पर्सनल मामला लगता। जैसे? सर वो मुझे नहीं पता, हम सिर्फ धंधे में पार्टनर थे, पर्सनल दोस्त नहीं। जी मैडम, मैं ही वीरेंद्र हूँ। 2-3 दिन पहले तुमने रमेश दहिया से बात की थी, कैसे जानते हो उन्हें? जी वो काम के सिलसिले में जानता हूँ, मैंने सुना क्या हुआ उनके साथ। क्यों हुआ उनके साथ ऐसा, कुछ सुना था, कुछ मालूम है? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम।
सुन बिरजू, ये वीरेन सिंह के बारे में तो पता कर, काफी डरा हुआ था, मुझे कुछ तो गड़बड़ लगता है। बस एक दिन का टाइम दो मैडम जी, इस वीरेंद्र का एक एक पुर्जा आपके सामने पेश कर दूंगा। इस विजय यादव पर नजर रखो, फिलहाल कहना मुश्किल है कितना सच बोल रहा है कितना झूठ। रमेश की पत्नी कल्याणी ने सस्पेक्ट लिस्ट में इसी पर हाथ रखा। सबसे पहले सर, आपने कहा कि इस विजय यादव ने कुछ पर्सनल एंगल की तरफ इशारा किया। खोसला, ये पहली बार नहीं होगा जब बिजनेस की दुश्मनी के कंधे से वो निजी बंदूक चली। सर, ये जो वीरेंद्र सिंह है, ये फोन पे काफी डरा हुआ था। सर, इसके पीछे भी मैंने बिरजू खबरी को लगा दिया है, वो जरूर कोई डिटेल्स ले आएगा। हर पॉसिबल सस्पेक्ट पर नजर रखो, हमारे पास लड़के और लड़की के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। फिलहाल हम जानते हैं तो सिर्फ इतना। पर के लिए इफ यस, तो ये भी पहली बार होगा कि क्राइम सीन पर स्पारी किलिंग में कोई लड़की भी शामिल थी। अब हम पति पत्नी बन गए, बस एक बार ये बवाल बैठ जाए फिर अपने गांव लौटकर अपना घर बसाएंगे, क्या कहती हो? कल्याणी जी, शव को ले जाने का टाइम हो चुका। बोलो मैडम, ये वीरेंद्र सिंह भी इसी लाइन का है, छोटा खिलाड़ी है, सब ब्रोकर। रमेश दैया से कोई बैर? एक मकान बेची थी इसने रमेश के लिए, रमेश ने वीरेंद्र को दलाली नहीं दी तो काफी लड़ाई हुई थी दोनों के बीच। और लड़ाई के बाद पैसे दिए कि नहीं? ना, नहीं दिए। मुझे भी उतना ही धक्का लगा है जितना कि आप लोगों को। दलाली नहीं मिली तो सुपारी दे दी। क्या बात कर रही हैं आप मैडम, रमेश भैया को मैं मरवा था और वो भी सिर्फ 25,000 रुपए के लिए। रमेश भैया, आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप ठग रहे हैं मुझे। एक तो भैया बोल रहा, ऊपर से ठग भी बोल रहा, साले वीरेंद्र के बच्चे। बच्चा ही हूं आपके सामने, अभी अभी इस लाइन में आए, उसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे चीटिंग करोगे। भरोसा किया आप पर मैंने भैया। हाँ तो तू भरोसा रखना बच्चे, दूंगा तुझे कुछ, समझा? कुछ का क्या मतलब है भैया, पार्टी मेरी थी, दलाली मैंने की, आपको सामने लाया क्योंकि आपका नाम है। तो नाम मेरा है तो डील मेरे नाम पर हुई थी ना। जी नहीं, आपके नाम का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, पार्टी मेरी है, दलाली मैंने की, सारे काम मैंने किए, तो आप अपने नाम का रख लीजिए 40%, बाकी का मुझे दे दीजिए। बोलिए कब देंगे मुझे पैसा? तुझे बोलना चाहिए ना तब दूंगा तुझे। साले वीरेंद्र के बच्चे, ठग बोलता रहा मुझे, इस लाइन में रहना कि नहीं रहना तुझे? मेरा पहला काम था मैडम जी, इसलिए ब्रोकरेज का चेक रमेश भैया की कंपनी के नाम पे बना। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं था, मेरे काम का भी था ना। पैसे गए, गुस्सा आया, तेरी पहली डील थी तो उनको मरवा कर क्या बदलता, पैसे तो वापस नहीं आते ना, और उनको मरवाने के लिए पैसे कहाँ से लाता मैं? खुद के घर का किराया तो मुश्किल से दे पाता हूँ। सर, ना तो रमेश दैया के पार्टनर विजय यादव वाले एंगल से कुछ बन पाया है और ना ही सब ब्रोकर वीरेंद्र वाले एंगल से। सर, 3-4 लोग और थे जिनके साथ रमेश के पैसों को लेकर अनबन थी, लेकिन सर इनमें से किसी को भी रमेश के मर्डर से कोई फायदा नहीं था। एक प्लान मर्डर था, देसी कट्टे से दो गोलियां चली, एक सर पर और एक गले पर। सर, हमारे सस्पेक्ट हैं एक जवान लड़का और एक लड़की जो किसी बाइक पर सवार थे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं ये इन्फॉर्मेशन जानबूझ के हमारी गोद में फेंकी गई ताकि हम गुमराह हो जाएं और एक ही जगह पे खड़े खड़े गोल गोल चक्कर काटते रहें। लेकिन एक बात पक्की है, हम गोल गोल नहीं घूमेंगे बल्कि हम खड़े खड़े खोदेंगे और ठीक उसी जगह खोदेंगे जहां पर हकीकत को दफनाया गया। सर, 7 बजे कल्याणी ने फोन किया था रमेश को ये पूछने के लिए कि वो घर का पहुंच रहा है डिनर के लिए। रमेश के कत्ल के बाद उसके फोन पर उसकी पत्नी कल्याणी का मिस्ड कॉल था। कल्याणी दैया के फोन से ऐसा कोई कॉल नहीं हुआ जो किसी सुपारी वाले को हुआ हो? यस सर, सारे कॉल्स नॉर्मल थे। राइट सर, दूध वाले, किराने वाले या मोहल्ले की कुछ और थे? और एक ही चश्मदीद, संदीप कौशिक, उसका दावा है कि उसने रमेश के साथ
एक नौजवान जोड़े को देखा था, लेकिन सर वो भी तो हमें उनके बारे में कोई डिटेल नहीं दे पा रहा है। सर अभी तक ऐसा कोई पर्सनल एंगल नहीं है जो सामने आया। इनफैक्ट अभी तक हमारे सामने कोई एंगल है ही नहीं, ना पर्सनल, ना बिजनेस, ना कोई और। तो रेगुलर रास्ता अपनाते, कट्टे को ट्रैक करते। कट्टा ट्रैक होगा तो लड़का और लड़की अपने आप ट्रैक होंगे। ओ भाई साहब, एक मिनट। जी भाई, और आप कितने दिन रहने वाले हैं यहाँ? 5-1 दिन और, हफ्ता मान लीजिए। तो भाई ये रोज 1-1 दिन का किराया देने की बजाय पूरे हफ्ते का किराया एक साथ दे दो, ताकि मुझे भी पता रहेगा कि उस रूम की बुकिंग लेनी है या नहीं। आप ये इतने रख लीजिए, बाकी कल दे दो। कोई नहीं। सब ठीक है, लौट जाए। कोई खतरा तो नहीं है? पता नहीं, तुम चाहो तो कहीं और सेटल हो जाते हैं, फिर लौट जाएंगे। और प्रीति? उसे भी ले चलेंगे अपने साथ, जैसा तुम चाहो। प्रीति, 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 तेरे स्कूल का टाइम हो गया, अंदर चल। थोड़ी देर और। सुबह से थोड़ी देर और कर रही है, नहाई भी नहीं अभी तक। बस 10 मिनट, फिर नहा लूंगी। अच्छा, जल्दी से राउंड लगा के अंदर आ जाना। पिछले 4 दिन से फॉलो कर रही हूँ कल्याणी को, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चला। और 3-4 दिन नजर रख, क्या पता वो भी सही वक्त के इंतजार में हो। अबे लालू, ये मर्डर केस है, अगर तू ढंग की टिप देगा ना तो समझ ले खास मुंह दिखाई करूंगा मैं तेरी। ये बंदा जब मैं बोल रहा हूँ ना सर जी, गन की दुनिया का एकदम खास आदमी है, और मेरा भी खास है। मेरे अलावा किसी और खबरी से बात नहीं करता। पर मेरे लिए तू खास तभी होगा जब तू इस केस के बारे में कोई खास बात करे। सर जी, मेरे कांटेक्ट ने हाल ही में कट्टा बेचा है एक जवान लड़के को। बोला लड़का लल्लू सा था, एकदम अनाड़ी टाइप। कौन है ये लड़का? मंतारपुर का कोई लौंडा है सर जी। देख बे लल्लू, तू तो जानता है मैं किसी को खबर नहीं देता हूँ। ये मुझे देने वाले हो, हम बोल भी दो। मंतारपुर का लड़का है, यही कोई 24 या 25 साल का। कट्टा चाहिए था उसे? हाँ। तुझे मेरे पास किसने भेजा है? है कोई?
ये वाला, ये देसी कट्टा है, इसका कोई नंबर वंबर रजिस्टर्ड नहीं होता है। पर इसमें वो गोली कहाँ से डालते हैं? इसमें गोली एक टाइम पे एक गोली पड़ती है इस तरह, और फिर चलाते हैं। ये चाहिए। और गोली कितनी चाहिए? चार नहीं, छः, छः गोली। एक बार फिर से दिखाना। इस तरह गोली को डालते हैं। बिल्कुल दूध भात की तरह सीधा साधा। वो गोली का किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकता। नाम क्या था उसका? था कौन वो? मनप्रीत। मनप्रीत क्या? मनप्रीत नेहरा, मंतारपुर का। मनप्रीत नेहरा, मंतारपुर। मंतारपुर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है ना? जी सर, मैं अभी टीम लेकर निकलता हूँ। सिमरन, रमेश की पत्नी कल्याणी को यह नाम सुनाओ, मनप्रीत नेहरा, और बारीकी से उसके रिएक्शन नोट करना। Got it, sir. कल्याणी जी, ये मनप्रीत नेहरा कौन है जो मंतरपुर में रहता है? मनप्रीत नेहरा? मैं नहीं जानती, कौन है ये? मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। रमेश दहिया मर्डर केस में अभी तक हमारे सामने यही एक नाम आया, मनप्रीत नेहरा। ओ, क्या रमेश दहिया का किसी लड़की के साथ कोई अफेयर वगैरह था? नहीं। पक्का? यहाँ तक मुझे मालूम है, नहीं। आप ये सवाल मुझसे पूछ भी कैसे सकती हैं? क्यों नहीं पूछ सकती? अफेयर करना कोई हिमालय चढ़ने जैसा तो नहीं है, या फिर समंदर पार करना? देखिए, जिस समुद्र में मछलियां ही नहीं है वहां आप जाल क्यों फेंक रहे हैं? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, तो आप भी मुझे सीधा जवाब दीजिए। क्या रमेश दहिया का ऐसा कोई अफेयर था जिसके बारे में आप जानती हैं, या जान गई थी, या जानती थी एक अरसे से? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, ना कुछ कहना है ना सुनना है। और कुछ? जी कहिए। हम CIA खांडपुर से हैं, पुलिस। मनप्रीत नेहरा यहीं रहता है ना? जी, मनप्रीत मेरा ही बेटा है। क्या हुआ? इस समय कहाँ है वो? वो बाहर गया है। बाहर कहाँ गया है? कब गया है? क्यों गया है? और किसके साथ गया है? क्या हुआ? मनप्रीत के बारे में पूछ रहे, पुलिस है। क्या हुआ सर? उसका फोन नंबर दीजिए और कब गया है वो बताइए, और हाँ, उसका एक फोटो भी दीजिए। हुआ क्या है जी, कुछ तो बताइए। सर, लगता है करेक्ट रास्ता मिल गया है। अपना फोन भी स्विच ऑफ कर रखा है इस मनप्रीत ने। डिटेल्स निकलवाता हूँ सर, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। 12 अक्टूबर को बिना बताए घर से कहीं निकल गया, और उसी शाम को रमेश दहिया का कत्ल हुआ। खोसला उसे जल्दी ढूंढो। सर, मैंने कल्याणी के सामने मनप्रीत का नाम लिया, कोई शौक नहीं था, ब्लैंक थी। क्या तो जानती नहीं कि ये कौन है? वैसे इस वक्त हम भी सिर्फ उसका नाम ही जानते हैं। एक बार ये मनप्रीत हमारे हाथ में आ गया, और अगर इसके साथ कोई लड़की भी हुई तो समझो ये केस हमारे हाथ में आ गया। कल्याणी जी, ये मनप्रीत नेहरा कौन है जो मंतरपुर में रहता है? इस कत्ल के पीछे एक अतीत था, एक ऐसा अतीत जो पुलिस से अभी तक अंतरहित था, छुपा हुआ था, लेकिन इसे बहुत जल्द रोशनी में आना ही था। एस्टेट एजेंट रमेश दहिया का कत्ल एक सोची समझी साजिश थी, एक खास मकसद से उसका मर्डर किया गया था। ये मकसद, ये हेतु निजी था, एक निजी फायदे के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था। The number you are trying to call is currently switched off. Sir, number switched off है। मनप्रीत की लास्ट बात इसी नंबर से हुई थी, 12 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे। ओके सर, मैं इस नंबर के डिटेल्स निकलवाती हूँ। तब तक मैं पता करता हूँ कि मनप्रीत का फोन 12 अक्टूबर को किन के लोकेशन पर था। सर, ये मनप्रीत नेहरा कातिल हो सकता है। एक तो ये किसने कट्टा खरीदा, और दूसरी बात ये कि 12 अक्टूबर को हत्या के दिन इसकी फोन लोकेशन ज्यादातर खानपुर में थी, जहां रमेश दहिया का ऑफिस है, और उसी दिन शाम को इसकी फोन लोकेशन खानपुर सर्विस रोड थी, जहां रमेश दहिया की हत्या की गई। सर, मनप्रीत की लास्ट बात 12 अक्टूबर को जिससे हुई थी वो किसी रीना हुडा का नंबर है,
ये उसकी तस्वीर। रीना हुड्डा, मनप्रीत नेहरा, होना और रमेश दहिया का कत्ल इन दोनों ने ही किया, लेकिन सवाल ये है कि क्यों यहाँ पे? हाँ, यही रहती है, पर कुछ दिनों से ताला लगा पड़ा है घर पर। और इसके माँ बाप वगैरह वो नहीं रहते साथ में? माँ बाप का तो पता नहीं, पर ससुराल से जब से लौटी है वो यहीं रह रही है। पास में एक जमीन है, वहाँ अनाज उगाती है। शादीशुदा है? हाँ, एक बच्ची भी है करीब 5 साल की, वो भी उसी के साथ रहती है। अच्छा, वो बच्ची भी उसके साथ ही गई है? वो सब मुझे पता नहीं। कोई और रिश्तेदार वगैरह है जिससे और कोई जानकारी मिल सके? हाँ, एक कोई बुआ है, वो आती जाती रहती है, पर उसका पता ठिकाना भी पता नहीं। अच्छा, बेटी का क्या नाम बताया था आपने? प्रीति। एक 5 साल की बच्ची की जवान माँ और एक जवान आदमी, ये दोनों मिलकर एक रियल एस्टेट एजेंट का कत्ल कर देते हैं। क्या क्या कनेक्शन हो सकते हैं? सर, निजी और बिजनेस दोनों एंगल्स टटोलने के लिए कहा है खबरियों को। हौसला, निजी और बिजनेस के परे भी कोई एंगल हो सकता है। हमने नाम सुना है उसका, लेकिन हमारे बेटे से उसका क्या मतलब? आपका बेटा और रीना दोनों ही इस वक्त गांव में मौजूद नहीं है, और दोनों को 12 अक्टूबर को एक साथ खानपुर में देखा गया था। उन दोनों के इस कत्ल में शामिल होने के पूरे आसार। ये क्या कह रहे हैं सर आप? देखिए नेहरा जी, मामला बहुत गंभीर है। मनप्रीत तक कैसे पहुंचा जाए ये कौन बता सकता है हमें, ये बताइए। बताने साहब, ये सब क्या हो रहा है? हमारा बेटा कैसे इन सब में फंस गया? पर वो बाइक लेकर गया था, मुझे लगा आसपास ही गया होगा, 3-4 दिन में आ जाएगा। बाइक का नंबर बताइए। नंबर तो याद नहीं है सर हमें। तो फिर गांव में उसका कोई ऐसा दोस्त है जो उसके बारे में कुछ भी बता सके? शायद रुपेश को कुछ पता होगा। कहाँ रहता है रुपेश? जी, रुपेश तो कॉलेज गया है। फोन नंबर दीजिए उसको। कौन से कॉलेज में पढ़ता? सर, रुपेश क्लास में होगा, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है उसका। कांस्टेबल रहीम के साथ 2 लोगों को रुपेश के कॉलेज भेजो, पठवाओ उसे। अरे, आप तो परसों जाने वाले थे। हाँ, लेकिन एक जरूरी काम निकल आया है। चलो। रीना, यहां देखो, सच बताओगी? खुश हो मेरे साथ? क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे लिए हमने वो किया जो तुम चाहती थी, पर उसके बाद भी तुम वैसी की वैसी हो, उदास, उखड़ी सी। मनप्रीत, मैं नहीं जानती मैं जिंदगी से क्या चाहती हूँ, कभी कुछ आने का मौका ही नहीं मिला। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रीना, सच्चे दिल से। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हो।
चाय भी नहीं पूछेगी? आ जाओ। क्यों आता हूं का क्या मतलब है? मतलब तू जानता है मनप्रीत, चाहता क्या है मुझसे? प्यार करता हूं तुझसे। देख मैं जानता हूं तू शादीशुदा है, तेरी एक बच्ची है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं प्यार हो गया तुझसे, तुझसे शादी करना चाहता हूं मैं। तू कुछ भी नहीं बोलेगी? पुलिस हमारे घर तक पहुंच गई है रीना। पता चला उन्हें? मुझे नहीं पता, हम कहीं दूर जाकर सेटल होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहती हो। उस रमेश दैया को तो दूर भेज दिया हमने, पर तुम भी बहुत दूर हो गई हो रीना। मनप्रीत, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी का ये जख्म कभी भरेगा भी या नहीं। खोई रहती है रीना। देख रीना, जो हो गया सो हो गया, अब पूरी जिंदगी शोक नहीं मनाया जाता, तुझ पर और भी कई जिम्मेदारियां हैं। अरे रीना, कुछ काम है तुझसे, वो मैं जा रही हूँ यहाँ से। जा रही हूँ यहाँ से का क्या मतलब? मतलब मुझे अब और यहाँ नहीं रहना। पर कोई कारण तो बता। दिल नहीं लगता, ये कारण काफी नहीं है। देख रीना, शाम को बात करते हैं, आने दे इन्हें काम से। चले मनप्रीत। तो तुम मनप्रीत के करीबी दोस्त हो? जी सर, वो स्कूल और कॉलेज हम दोनों साथ ही में गए थे। इस वक्त कहाँ है तुम्हारा दोस्त? क्या वो रीना के साथ कहीं गया? सर मुझे नहीं पता वो कहाँ है और किसके साथ है, एक अरसा हो गया मैं उसके साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ सर। 12 अक्टूबर को एक अरसा तो नहीं होता रूपेश, कुछ ही दिन पहले की बात है, उसने तुझे शाम को 9:30 बजे कॉल किया था लैंडलाइन से, ये देख। और ये नंबर मंतरपुर के बाहर जो PCO है वहां का है। हेलो रुपेश, एक अर्जेंट बात है यार, आके मिल सकता है तू? हमें यकीन है कि उस रात 9:30 बजे जो तुम्हें PCO से फ़ोन आया था वो मनप्रीत का ही था। उसने जानबूझकर PCO से फ़ोन किया क्योंकि वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। अब बोल, क्या बात होती तेरी उसके साथ? कुछ भी छिपाना मत, मनप्रीत इस मर्डर केस का सस्पेक्ट है। अगर तू उसे बचाएगा, उसे कवर करेगा तो तू भी धंसेगा। मुझे नहीं मालूम सर मनप्रीत ने क्या किया है, लेकिन इतना जानता हूँ कि उसने जरूर कुछ किया है सर। रुपेश, मीठा मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए जलेबियां मत बना। सीधे सीधे बोल, मनप्रीत कहाँ है? मुझे सच में नहीं मालूम सर, आपको इतना बता सकता हूँ कि उसने मुझसे हमारे दूसरे दोस्त करमवीर का नंबर मांगा था। क्या सस्पेंस है बे, PCO से कॉल क्यों किया?
सब ठीक तो है ना? नहीं यार, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? कुछ हुआ है, बता नहीं सकता। यार तेरे पास अपना वो करमबीर, उसका नंबर है क्या? पता है आजकल कहाँ पर है वो? करमबीर तो आजकल गाजियाबाद में है, लेकिन उसका नंबर है मेरे पास। दे, मुझे नंबर दे उसका। और सुन यार, किसी को बोलना मत हम लोग मिले थे। मैं कहाँ पर हूँ कुछ भी नहीं। फिर डरा क्यों रहा है यार? पहले बता क्या हुआ। यार तू नंबर देना यार, जल्दी कर। 444-08-7888। थैंक्स यार। तुम जब मनप्रीत से मिले थे तो रीना और उसकी बेटी प्रीति भी उसके साथ थे? नहीं सर, वो अकेला था। क्या रीना और मनप्रीत का अफेयर है? इन दोनों ने खानपुर वाले रमेश दहिया का कत्ल क्यों किया? क्या सर, मुझे किसी कत्ल के बारे में नहीं पता। चल करमवीर का एड्रेस दे और नंबर दे। प्रणाम मैडम। प्रणाम प्रणाम। बोल क्या स्कोर है मनप्रीत और रीना की इनिंग का? उन दोनों का तो अभी तक खाता नहीं खुला है मैडम, लेकिन एक गुगली बॉल डालूं? डाल। इस रमेश दहिया का एक छोटा भाई था। था? था। उसका भी 4 साल पहले मर्डर। बिरजू पूरा ओवर डाल, सारी डिटेल्स बता। अपने खानपुर में ही सतवा नगर थाने में केस दर्ज है, अपने एक जोड़ीदार ने टिप दी है। इस ओवर में तो विकेट जरूर गिरेगी मैडम। अब इतना तो तुम समझ ही गए होगे कि तुम हमारी रडार पर हो। लेकिन सर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और ऐसा कुछ करना भी मत। करमबीर को किसी तरह की वार्निंग वगैरह देने की कोशिश की तो तुम्हारी लाइफ का पैंट बच जाएगा। नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और मनप्रीत और रीना के बारे में कुछ भी पता चले तो सीधे हमें फोन करना। जी सर। ठीक है, जाओ। करमवीर को फोन मत करना। समझ गया सर, सरप्राइज देता हूं उसे। सर पता नहीं है रमेश दहिया के मर्डर केस से कितना कनेक्टेड है, बट एक इंपॉर्टेंट टिप है। बोलो। सर श्याम दहिया जो कि रमेश दहिया का छोटा भाई था, 4 साल पहले उसका भी मर्डर ही हुआ था। सर सतवन नगर का केस है और ये रही उसकी फाइल। रमेश दहिया मर्डर केस के मुख्य संदिग्ध रीना और मनप्रीत के लिए मैनहंट लॉन्च किया गया था। इतने में अतीत ने अपना फन उठाया था। रमेश के भाई श्याम दहिया का मर्डर केस अब इस केस की परछाई बनने वाला था। पर क्या ये दोनों केसेस वाकई में जुड़े हुए थे? जी करमबीर बोल रहा हूँ, बोलिए। मैं CIA खानपुर से सब इंस्पेक्टर गुरबीर खोसला बोल रहा हूँ। CIA? बात क्या है सर जी? मैं गाजियाबाद CIA ऑफिस आया हूँ। एड्रेस नोट कर, मंगला मार्केट Sector 4। जी पर क्यों? क्योंकि तू अभी के अभी यहाँ आ रहा है, या मैं तेरे घर आऊँ? नहीं नहीं, मैं आता हूँ सर जी, मैं आता हूँ। लेकिन बात क्या है? बात है मनप्रीत नेहरा। हाँ जी। ऋषि राणा का घर है ये? हाँ वो मेरा बेटा है। आप कौन? CIA पुलिस। हुआ क्या है? ऋषि राणा और हरीश चौहान, तुम दोनों रमेश दहिया के छोटे भाई श्याम दहिया के मर्डर के आरोपी थे, सही है? 4 साल बीत चुके हैं, अभी गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं मैडम? तब का तब सब सेटल हो गया था मैडम। राम सिंह जी, ब्रजेश चौहान जी, 2 हफ्ते पहले श्याम दहिया के बड़े भाई रमेश दहिया का कत्ल हुआ है। अब तो गड़े मुर्दे छोड़िए, हर चीज उखाड़ी जाएगी ताकि दफन सच सामने आए। सर जो हुआ था वो गलती से हुआ था, मारने का इरादा नहीं था हमारा। दोस्ती थी हमारी सर, श्याम ऋषि और मैं, हमारे बीच तो पैसों का लेन देन भी होता रहता था। और
उस बार श्याम ने हरीश से 3 लाख रुपए लिए थे उधार। सर लौटा ही नहीं रहा था, बस फिर हो गई तू मैं और गर्मा गर्मी में बस हो गया। मर्डर होता नहीं है, मर्डर किया जाता है, और तुम दोनों को इस मर्डर के लिए जुडिशियल कस्टडी में ही भेजा गया, लेकिन फिर अचानक 4 महीने बाद केस क्लोज। फोन पे गाली क्यों बकी मुझे? काका एक अदरक वाली। गाली नहीं दूं तो क्या प्रेम पत्रिका लिखूं तेरे को? 6 महीने से पैसे लेके बैठा है साले। जैसे कि साले तुझे पता ही नहीं, पहली बार बता रहा हूँ क्या? एक तगड़ी जमीन पे पैसे लगाए मैं, जैसे जमीन बेच दूंगा वैसे ही तेरे सूद समेत पैसे लौटा दूंगा। सूद वूद तू अपने अपने पास ही रख, ठीक है? मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए आज ही अभी। आज के आज कैसे लाके दूं? जैसे मेरे से लिए थे, जैसे मेरे बाप ने दिए थे मुझे। देख मेरा बाप मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है शाम, तू एक काम कर, तेरे रमेश भैया ना उनसे जाके ले ले और मेरे को दे वापस। आज नहीं बे यार, अभी भैया की तंगी चल रही है। तू ना बहुत नाजायज फायदा उठा रहा है दोस्ती का, कमीनापंती कर रहा है तू अभी। तू अभी ये गलत बात कर रहा है। अरे भाड़े में भाई गलत बात सही बात, तेरे को समझ नहीं आता क्या? मेरे को मेरे पैसे आज पूरे के पूरे वापस चाहिए जितना तूने लिए थे, अभी चले क्या तू? तो क्या ये बच्चों वाली हरकतें कर रहा है? ये 3 लाख क्या टॉफी या गुब्बारे है क्या कि ऐसे ही जाके लेके आ जाओ? एक शाम मेरी लगी पड़ी है, तूने 1 महीना कहा था ना, 7 महीने हो गए, पैसा दे अभी मेरे को। नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। पैसे तो मुझे अभी चाहिए। लड़ाई झगड़ा बाहर करो जाकर। अब तो दूंगा ही नहीं साले, ना अब दूंगा और ना ही कभी दूंगा। और समझ ले कि मैंने तेरे से पैसे लिए ही नहीं थे। मेरे पास कब आया ऋषि? ऋषि बता इस कुत्ते को दिए थे कि नहीं मैंने 3 लाख? दिए थे ना शाम तेरे को, 3 लाख रुपए दिए थे। तू झूठ बोल रहा है, तू हमारे बीच में मत आ साले चमचे। क्या सबूत है तेरे पास? तेरे पास है कोई कागज डॉक्यूमेंट जिसपे मेरा साइन हो? तू शुरू से यही चाहता था। गुस्से में हो गया था सर, गलती बहुत बड़ी गलती थी सर। मारने का इरादा बिल्कुल नहीं था, दोस्त था हमारा। वो दोस्त था इसलिए तुम्हारे दोस्त के बड़े भाई रमेश दहिया को तुम लोगों पर इतना तरस आया कि उसने अपने छोटे भाई श्याम दहिया के कत्ल का केस वापस ले लिया। हमारे पिताजी ने रमेश भैया से बात की थी तो उनके पैर पड़े थे, गिड़गिड़ाए थे कि हमारा इरादा मर्डर का नहीं था सर। 4 महीने कोर्ट में केस चला, उसके बाद रमेश ने एकदम से केस वापस ले लिया। जी खटक रही है ये बात, रमेश दहिया के इकलौते छोटे भाई का मर्डर हुआ था। आप लोग पूरा सच तो नहीं बोल रहे हैं। मैडम हमने इसकी कीमत चुकाई, अच्छी खासी कीमत चुकाई है मैडम। ये मेरे 10 लाख पर ये हैं मेरे। आप 20 मांगे थे, पूरे 20 लाख हैं। अब तो हमारे बेटों के खिलाफ जो केस है वापस ले लीजिए रमेश जी। ठीक है, मैं बाद में पैसे गिन लूँगा और फिर थाने जाके जो भी बोलना है मैं बोल दूँगा। अगर ऐसा नहीं करते तो हमारे बच्चों की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। ये खूनी नहीं है जी, गलती से मौत हो गई श्याम की, गलती सुधार दी, सब सेटल हो गया। सर उस दिन के बाद से हमारा दहिया परिवार से कोई ताल्लुकात नहीं रहा। हमारा यकीन करिए सर, रमेश दहिया मर्डर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अपने भाई की मौत का मुआवजा लेकर केस वापस ले लिया। सर मैंने इन दोनों लड़कों के कॉल रिकॉर्ड चेक कराए, मनप्रीत नेहरा और रीना से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। सुपारी बिना फोन पर बात किए भी दी जा सकती। यस सर यू आर राइट, और शायद ये 20 लाख होने की आग इनके दिल से बुझी नहीं है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि श्याम दहिया का मर्डर एक अलग हादसा हो और रमेश दहिया का मर्डर किसी और बात को लेकर हुआ। सर कल्याणी दहिया, मुझे ये लगता है कि शायद ये कल्याणी इस केस से जुड़ी हुई है। करमबीर, मनप्रीत एक मर्डर केस में संदिग्ध है और हमें पता है
कि वो तुम्हारे टच में है। तो बता करमवीर, कहाँ है वो? देख करमवीर, जितना मनप्रीत धसेगा उतना ही तू भी धसेगा। उस पे मर्डर करने का चार्ज लगेगा और तुझ पे मदद करने का। तेरी तो लाइफ खत्म है फिर। फरीदाबाद, फरीदाबाद। और कैसे करमवीर? वो मुझे कैसे पता रहेगा यार? और रुपेश कह रहा था तेरे घर पुलिस वाले गए थे। पर उन्हें कैसे पता चला? क्या पता चला? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या कांड करके बैठा है मनप्रीत? हाँ यार, पुलिस वालों को गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया है। चल रखता हूँ मैं फोन। तू करने क्या वाला है मनप्रीत? पता नहीं, देखता हूँ, कॉल करूंगा तुझे। चल भाई। फरीदाबाद से जिस नंबर से कॉल किया था वो नंबर दे। करमवीर से कुछ पता चला? टारगेट फरीदाबाद में, शायद दोनों। फरीदाबाद के पीसीओ से कॉल किया था करमवीर को। श्याम दहिया और रमेश दहिया, दोनों भाइयों के कत्ल में अभी तक कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। कल्याणी दहिया? सिमरन उसे हैंडल कर रही है। हौसला, मनप्रीत और रीना फरीदाबाद से भागने नहीं चाहिए। क्या ऋषि राणा और हरीश चौहान के घर वालों से 20 लाख रुपए लिए थे रमेश ने बतौर मुआवजा? क्या रमेश का कत्ल इस 20 लाख का बदला था? वाह, इतने दिनों के बाद ये सूझा है आपको? दो और दो मिला दिए। अगर मेल नहीं है तो खेल क्या है कल्याणी जी? खेल तो आप लोग रहे हैं जी। अब आप ये कहेंगे कि मैंने ही अपने पति को मरवाया है उनके पैसों के लिए, या फिर मेरा कोई अफेयर चल रहा होगा किसी के साथ? क्यों? देखिए, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो बस मनप्रीत नेहरा को ढूंढ रहे हैं, जिसका नाम मैंने पहली बार आप ही के मुंह से सुना है। उसके साथ एक लड़की है, शायद आप उसे जानती हैं, रीना हुडा नाम है। रीना? रीना को आप जानती हैं? ये सब कुछ रीना का किया कराया है। रीना को आप कैसे जानती हैं? अरे, रीना मेरी देवरानी है, मेरे देवर श्याम की विधवा। कड़ियां जुड़ रही हैं। ये रीना श्याम की विधवा है, उसकी बुआ सोनापुरा गांव में रहती है। फिलहाल मैं वहीं जा रही हूँ सब। ओके। घर छोड़ के जा रही हूँ, इसका क्या मतलब? मुझे अपने आप से रहना है। पता नहीं क्या घुस गया इसके दिमाग में। कहाँ जाएगी? बुआ के घर जाएगी अपने। यहाँ नहीं रहूंगी। क्यों? इस घर में क्या खराबी है? मैं यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ। ये क्या वाहियात बातें कर रही हो रीना, हमने तुम्हें कभी भी ऐसे नहीं रखा है, तुम इस घर की छोटी बहू हो। भाभी, अभी घर वाला नाटक बंद करो ना, मैं सब जानती हूँ यहाँ क्या हुआ है और इस घर में मेरी क्या जगह है। क्या हुआ इस घर में, बोलना क्या हुआ है? मुझे बहस नहीं करनी है, मैं आप दोनों से इजाजत मांगने नहीं आई थी, अपना फैसला सुनाने आई थी। कल सुबह मैं प्रीति को लेके जा रही हूँ बस। अरे हाँ ठीक है जा, जाना जाओ, हम तो कुछ लगते नहीं है ना तेरे। अरे उसे ऐसे मत जाने दीजिए, दुनिया भर में गाती फिरेगी कि हम कितने बुरे हैं और वो कितनी भली। अरे तो लोगों का मुंह थोड़ा ना रोक सकते हम कल्याणी, और ये कौन सा हमारे कहने से रुक जाएगी? जैसे जा जाना वो भाड़ में जाए। सलाम साहब। साहब यही है वो पीसीओ जहां से मनप्रीत ने फोन किया होगा। ये दोनों की तस्वीरें जावेद, मनप्रीत नेहरा, रीना हुडा, इन फोटोज की कॉपीज निकलवाओ और अपने सारे आदमियों में बांट दो, सबके सब मुझे रिपोर्ट करेंगे, मैं यहां के क्राइम ब्रांच के ऑफिस में मिलूंगा। ठीक है सर जी, ये भागे हुए और कहीं छिप रहे हैं ना, तो जरूर किसी सस्ते से सस्ते लॉज में बिल बना के बैठे होंगे। तो अपने सारे आदमी काम पर लगा दे जावेद, और बाहर निकाल लेना बिल से। ठीक है साहब। प्रीति बेटा, ले बेटा बिस्किट खा ले। कुसुम जी? जी। सीआई खानपुर से हैं, पुलिस। बात क्या है? रीना हुडा कहाँ है? पता नहीं, यहाँ तो नहीं है।
ये उसकी बेटी है प्रीति। जी हाँ। वो उसे अकेले छोड़ के गई। हाँ, पर बात क्या है? कुसुम जी, आप हमें ये बताइए वो कब गई? तो 12 अक्टूबर को गई थी, बोल रही थी कुछ काम है और कुछ दिनों में आ जाएगी। अरे बीना, प्रीति मिलो बच्चों। अरे रीना, सब ठीक तो है ना? आने की कोई खबर नहीं दी तूने? बुआ, वो कोई जरूरी काम आ गया था, 3-4 दिन लग जाएंगे, तब तक तो प्रीति को संभाल लेना। हाँ हाँ, वो तो संभाल लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। पर तू इतने परेशान क्यों लग रही है? क्या काम आ गया और तू जा कहाँ रही है? एक बार काम खत्म हो जाए फिर आकर आराम से बताती हूँ। इसमें सारा सामान है प्रीति का। गई है, कोई खबर नहीं, कोई फोन तक नहीं किया। ये मेरा नंबर है, रीना से कोई भी बात होती है या उसके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है आप मुझे तुरंत इन्फॉर्म करें। पर देखिए, रीना से हमारी बात होना बहुत जरूरी है। इस वक्त वो बहुत बड़ी मुश्किल में है और अगर वो सरेंडर नहीं करती है तो और भी बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। सरेंडर? ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा क्या कर दिया मेरी भतीजी ने? मैं फोन करने बाहर जा रहा हूं, पैसे खत्म हो रहे हैं, अम्मा बापू से मांगने होंगे, हाथ में कैसे आएंगे पता नहीं। बात पूछनी थी तुझसे, सच बोलेगी क्या? मैं वाकई तेरी जिंदगी में कोई मायने रखता हूं या बस तूने इस्तेमाल किया है अपने बदले के लिए? बता रीना, प्यार हो तेरा या सिर्फ एक जरिया हो तेरा मतलब पूरा करने के लिए? देख मनप्रीत, मैं जानती हूँ तुझे मेरी फिक्र है, मेरी देखभाल करना चाहता है, प्यार करता है मुझसे, पर तू नहीं करती। मैं तब तक तेरी नहीं हो सकती मनप्रीत जब तक मेरा एक अधूरा काम पूरा नहीं हो जाता। अरे तो मुझे बोलना, मैं करूंगा तेरा काम, पर उसके बाद तो तू खुलकर अपने दिल की बात करेगी ना मुझसे, इजहार करेगी ना अपने प्यार का? बोलना रीना, शादी करेगी ना मुझसे? हेलो, कहाँ था, कब से फोन कर रही हूँ? वो नहा रहा था, बोलो। क्या बोलूँ मनप्रीत, तब से बोल रहा है आज कर दूंगा आज कर दूंगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे इतना आसान है क्या एक आदमी को ऐसे? आसान तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में मनप्रीत, प्यार करना और निभाना तो सबसे ज्यादा मुश्किल। बोला ही क्यों था मुझे कि मुझसे सच्चा प्यार करता है? देखो शक मत करो, प्यार है, बहुत है। हथियार खरीद चुका है, फैसला कर चुका है, छानबीन पूछताछ पीछा करना सब कर चुका है, पर अब तक वो रमेश दहिया अब तक आजाद घूम रहा है। हाँ आज काम हो जाए। अगर कल वो मुझे जिंदा दिखाना मनप्रीत तो समझ लेना कि तेरे मेरे बीच में जो था सब खत्म। एक बार बोल दिया ना आज होगा मतलब होगा, टेंशन मत ले।
कुछ तो बोल रीना। प्यार हूं या सिर्फ एक औजार हूं मैं, बोल ना रीना। मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता मनप्रीत, मेरे अंदर सब कुछ एकदम खाली है। मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मेरे अपने लिए भी नहीं है, कभी थी नहीं। मतलब? बहुत छोटी सी थी जब मेरे माँ बाप गुजर गए, उनके बारे में तो कुछ याद ही नहीं है मुझे। बुआ ने बड़ा किया, बचपन तो मैंने कभी देखा ही नहीं। बुआ प्यार नहीं करती थी? तंगी में प्यार के लिए जगह नहीं होती मनप्रीत, बुआ बस अपना बोझ हल्का करना चाहती थी। 18 की हुई नहीं कि शादी करा दी मेरी शाम से। मैं पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। कोई और नहीं था तेरा, कोई रिश्तेदार? तंगी में रिश्तेदार भी तंग हो जाते हैं, मेरी कभी कोई अपनी मर्जी थी ही नहीं। मैं बुआ को मना नहीं कर पाई, बांध दी गई शाम के साथ जबरदस्ती। तो अब तुझे लगता है कि तू मेरे साथ भी बन गई है? मुझे नहीं पता, फिर से नमक ज्यादा डाल दिया, पता नहीं चलता क्या तुझे? नहीं पता चला था, बस इतना समझ गई थी कि यही है मेरी जिंदगी, जो कुछ है बस इसी में। क्या मैं बच्चे को दुनिया में लाने के लिए तैयार थी? मुझे नहीं पता। क्या मुझे बच्चा चाहिए भी था? मुझे नहीं पता। बस जो पत्ते तकदीर ने बांटे उन्हीं से खेलती रही, हारती रही। मैं श्याम के साथ सारी जिंदगी बिताने के ख्याल से समझौता कर ही रही थी, जब शाम को मार डाला गया, फिर एक बार जिंदगी एकदम से खाली खाली हो गई। कुछ मेरे हाथ में नहीं था, कुछ भी नहीं। मेरा पति आपका सगा भाई भी तो था, कैसे सौदा कर लिया उसके हथियारों के साथ आपने? एक मिनट, पहले तो आवाज नीचे रख, और दूसरी बात रीना, गलती से बदनसीबी से मारा गया है वो। तो बदनसीबी का सौदा क्यों कर रहे हैं आप? अपनी जेब क्यों भर रहे हैं आप? रीना माफी मांग इनसे, ये क्या बकवास किए जा रही है? कुछ गलत कहा क्या? तो मांग लूंगी माफी। हरीश और ऋषि के घर वाले 6 लाख देना चाहते थे, भाई साहब ने कहा 20 लाख से कम नहीं चलेंगे, ये सौदा नहीं है। रीना जिन चीजों के बारे में पता ना हो ना कि क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, उस बारे में ना अपनी जबान बंद रखा। और जा रसोई में जा, जा जाके रोटियां सेक। अब दोनों मेरे पति की चिता पर अपने मतलब की रोटियां सेक रहे हैं, गिद्ध बन के मंडरा रहे मेरे पति की अस्थियों। अरे बेवकूफ लड़की, भूल गई कि तेरा पति होने से पहले श्याम मेरा भाई था? तेरी बेटी की जिम्मेदारी ना मेरे सर पर है, और जो रकम मैंने ली है ना उससे तेरी बेटी की परवरिश में ही तुझे ही मदद होगी। बेवकूफ कही की, अरे मरा हुआ श्याम किसी के काम नहीं आएगा, कोई समझाओ इसे। आपने कहा था जो पैसे उन लोगों से लिए हैं वो मेरे और प्रीति के काम आएंगे। किस चीज की कमी है तुझे? कल्याणी बराबर पैसे दे रही है ना तुझे खर्चे के लिए? मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए ना मेहरबानी, मेरा बैंक में अकाउंट है, उसी में ही सारे पैसे डलवा दीजिए। अकाउंट नंबर दे दूं? कब तक डल जाएंगे पैसे? ये चलाकी ना कर, क्योंकि मेरे सामने नहीं चलनी, समझी? चलाकी कहाँ कर रही हूँ भाई साहब, मैं तो अपने हिस्से के, अपने हक के पैसे मांग रही हूँ। तेरा हिस्सा क्या है, तेरा हक क्या है, और है भी है नहीं, ये सर मैं तय करूंगा। ज्यादा पैसा पैसा करके मेरे सर पे मंडराएगी ना तो ढेला भर नहीं मिलेगा तुझे, समझी? मेरा हक नहीं मिला मुझे, प्रीति का हक नहीं मिला उसे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
मेरी जिंदगी में ऐसे कई सवाल है जिनका कभी जवाब मुझे मिला ही नहीं। मनप्रीत मेरा कभी कोई अपना था ही नहीं, पर श्याम मेरी बेटी का पिता था। जैसा भी था मेरा था। उन्होंने मेरे अपने की मौत का सौदा किया, बोला वो पैसा मेरे और मेरी बेटी के काम आएगा, पर वो पैसा दिया नहीं मुझे। मुझे इंसाफ चाहिए था। मेरी नजर में श्याम का हत्यारा उसका बड़ा भाई रमेश दहिया था। अजीब इत्तेफाक, तुझे अपने जिंदगी के सवालों के जवाब नहीं मिले और मुझे बस एक सवाल का जवाब नहीं मिला जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, कि तू मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। इस सवाल का जवाब तो मुझे सच में नहीं मालूम मनप्रीत, शायद सच यही है कि तू मेरे लिए प्यार से ज्यादा सिर्फ एक औजार है। झूठ क्यों बोलूं तुझसे, साफ साफ नजर आ रहा है मुझे भी और तुझे भी कि मुझ में प्यार करने की ताकत बची नहीं है। शायद कभी थी ही नहीं। साले मनप्रीत, पुलिस मुझ तक पहुंच चुकी है और साले तूने मुझे बताया नहीं कि तूने मर्डर किया। हाँ किया। मनप्रीत पुलिस आज नहीं तो कल तुझ तक पहुंची जाएगी और मुझे उन्हें बताना पड़ा कि तू फरीदाबाद में। मुझे शक है। कैसा शक? मेरे पति की मौत गलती से नहीं हुई, उसके बड़े भाई ने जान पूछकर उसको मरवाया है ताकि उसके दोस्तों से पैसे ऐंठ सके। गलत, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पति की मौत का सौदा किया है उसने। हाँ वो जरूर किया, लेकिन अगर वो तुम्हारा हिस्सा नहीं दे रहा था तो तुम पुलिस को कंप्लेंट करती, और अगर वाकई तुम अपने पति श्याम के कातिलों को सजा दिलाना चाहती थी तो पुलिस के पास जाती। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था। मैं बस इतना जानती हूं कि मुझे रमेश दहिया पर बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा। लेकिन तुम्हें यह पता कि तुम्हारे इस गुस्से ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी? मनप्रीत की जिंदगी बर्बाद हुई, रमेश का छोटा सा बेटा, उसके सर से बाप का साया उठ गया। किसी और के बारे में ना सही, ये सब करने से कम अपनी बेटी प्रीति उसके बारे में तो सोचा होता, जब पूरी तरह से अनाथ हो चुकी है। मुझे जो सही लगा मैंने किया, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। सरासर झूठ बोल रही है। मैंने आज तक कभी उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया और ना ही रमेश ने। उसके अंदर आप दोनों को लेकर इतना गुस्सा क्यों है? आप दोनों ने उसका हक का पैसा मारा इसलिए? ये भी बिल्कुल गलत है। उसके हक के सारे पैसे रमेश ने प्रीति के नाम पर रखवा दिए थे। तो क्या ये बात रीना को मालूम थी? 2 साल पहले वो आप लोग का घर छोड़ के गई, कभी आप लोगों ने मिलकर उसे समझाया? अगर एक छोटी बातचीत हुई होती तो शायद आज आप अपना पति नहीं खोती।
ये क्या नर्क किया रहे तूने मनप्रीत? बोल। किसी की हत्या करना प्यार कैसे हो सकता है? प्यार था माँ, प्यार था। प्यार था तो फिर हमारे साथ क्या था? बूढ़े बाबा जिन्होंने खून का पसीना बनाकर तुझे पाला पोसा, क्या था हमारे साथ? झूला क्यों नहीं झूल रही? जब रीना के माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए तब रीना 3 साल की थी और उसकी बुआ ने तब उसकी जिम्मेदारी ली थी और आज उसी बुआ को रीना की बेटी प्रीति की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ी है। रमेश धैया के कत्ल ने किसी के अधूरे अरमान पूरे नहीं किए और ना ही मनप्रीत को वो प्यार दिलाया जिसके लिए वो तरस गया था। रीना का बदला नाकाम रहा, कुछ नहीं मिला उसे इस बदले से। उल्टा रीना अपनी प्यारी मासूम बेटी से भी दूर हो गई। रीना और मनप्रीत को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए आर्म्स एक्ट 25 और आईपीसी की धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए बुक किया गया है। दोनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। किसी पर भी दुर्भाग्य का कहर टूट पड़ना बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन इस दर्द से, इस पीड़ा से बाहर निकलने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की चेतना और मनोबल पर निर्भर करती है। अपनी पूरी जिंदगी मायूसी और पीड़ा को सौंप देना हर तरह से गलत फैसला है। रीना की जिंदगी में कई हादसे हुए, लेकिन उनके परे भी उम्मीद से भरी एक जिंदगी हो सकती थी। जो अंतर्हित छुपी हुई जिद और शक्ति रीना ने अपने जेठ रमेश की हत्या में अपनाई, उसे वो अपना और अपनी बच्ची का भविष्य बनाने में भी लगा सकती थी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।